सारे प्यार भरी सत श्री अकाल करते वीडियो की शुरुआत। फिर आ गए अपने सरों वाले खेत तो मूंगी देख सकते हैं तो जिनी क मूंगी उदू बाद मोथा ये तो बाकी करते हैं स्प्रे इतने सूडी वाली हूँ अज जा कलू शाम कर दें तो स्प्रे लिया पई है इतने बाकी अपनी कोठी आ गई तो आप जी धुप वाली मोटर की गल की गलबात हो गई पक्की अपनी तो दसागे आए तो फिर समान जो आया भी कितों मंगाया आप जी कोठी आनू आप बधाने लगे उरे बरांडा पा देना वा तो तकरीबन यह 15x42 फुट हो जानी है यह लंबाई तो चढ़ाई है ये तो उपर पैनल लाने आप जी थले जगह वा वो छड़नी नहीं गई यू बरांडा पा के आप कवर कर लेना जगह न ये थले ट्रैक्टर ट्रूक्टर खड़ सकता बाकी धुप्पे जाता कोई राही भी आप कह सकते कोई आराम कर सकता तो मतलब हैगा भी थले जगह रोकने वालों उत्ते इनू बरांडे के उपर कर देना फिट सारे तो कोठी थोड़ी जी यह चौड़ी घट आ 10x14 वा ये तो मूहे तो बरांडा छोटा जहा एक तो पर साइडा भी आप बधा देना तो आने वाले टाइम दिखावे इनू चढ़ाई यदि लंबाई यदि हुण चेंज हो जानी है तो बाकी मूंगी दिखा मैं थोनों बिच बिच मूथा हैगा कि घट आ किसी कैरे च तो बाकी ऊ निकली तो वधिया वा तो करद स्प्रे फिर ये भी हूँ तो लोड है इनू हूँ तो पानी ला के तो स्प्रे करांगे आपां बासमती मूथे वाली है जी तो मूथे लिए स्पैशल आ बाकी लगू पता वह आने वाले टाइम च रिजल्ट का भी किदा वा हूँ चक्कर नहीं पता लगता भी जेडे एको खेत आ सारा जेडे ये क्यारे आ इन दे विच मूथा फुल पर जेडे दो क्यारे आ उस देख सकते हैं बिल्कुल ही साफ आ जिवें मूथा है ही नहीं गा तो एको खेत आ सारा कट्ठा ही जिवें आप कह सकते हैं जिवें हुण इहदे विच जमा ही है नहीं तो मूंगी एक सारे च निकली हुई है सारे च तो इह च मूथा है नहीं गा ये दो क्यारे बिल्कुल साफ आ तो इधर सारे खेत च मूथा वा तो जेडे सिरे ते दो क्यारे आ उन्हां दे विच भी घट आ जानी हैगा वा तो ये जानी फॉली आ बाल वांगू देख सकते हैं तो बाकी सूडी हैगी हुण कोई कोई इहनू तो स्प्रे अपनी लियांदी पई आ तो करदे आ फिर शाम नूं अज जां कल नूं देखदे आ बंदे नूं पुछदे आ तो कर देणगे तो आह क्यारे जमा साफ आ मूंगी दे अपने तो धुप वाली मोटर की स्कीम पिछले साल की चलती सी चक्कर पैंदा सीगा आपां नूं डंगाई दा कहिंदे वी 150 फुट तो डूंगी इह मोटर कामयाब नहीं हैगी फिर कईआं तों सलाह लई सीगी इहदी ते कई बंदे तां अपने जिहड़े नवें बंदे सीगे मैं सोलर लाउंदे आ सिस्टम इह ते उह हामी जी नहीं भरदे सीगे वी 150 फुट तों थल्ले कामयाब नहीं इह आए नहींगी ते बाकी फिर आए करदे करांदे काफ़ी टाइम निकल गया ते फिर दो कु तों सलाह लई सी उह कहिंदे सी भी गरंटी दिंदे भी मोटर चलूगी कोई कारण ही नहीं हैगा ना चलन वाला तो बाकी चलो देखांगे हुण लगे तो फिर देख के भी आए मोटर तो चलती सी वधिया अपने नाल दे पिंड ही रसूलपुर चलती सी मोटर जिहड़ी तुसीं देखी है चलती पहलां वाली वीडियो च ते बाकी आपां लावांगे हुण 10 HP दी 4.5 लाख दे नेड़ तेड़े दा खर्चा अपने तकरीबन आ जाणा वा ते बाकी उह लगे तो दसांगे भी 4.5 तों थल्ले रहिंदी आ कि 4.5 तों उपर जांदी आ तो बरांडे तो बिना जाने जिहड़ा खर्चा आना तो बरांडे तो चलो एक्सट्रा वा अपना क्योंकि वह आप थले भी ला सकते हैं पैनल पर आप ही खर्चा यदा एक्सट्रा वधाया भी उपर लाने तो उपर वैसे मिस्त्री की जी सलाह सी जे पैनल लाने भी उत्ते हवा का दबा ज़्यादा पेगा भी जे थले लाइए तो दबा घट होगा नेरी नूरी का तो चलो उन्होंने सपोटा सपाटा वध दे देंगे सिकंजे थले तो बाकी लावे फिक्स वाला आप तो नहीं घूमने वाला भी लग जाता वा ज़्यादातर आम खेतों घूमने वाले ही लाए हुए भी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं आप लावे फैक्स ही इनू तो 2-4 प्लेटा बधा देनी पर साइडा आप बाकी दिखावे आने वाले टाइम चाहे मैं तरी किन्ने बाई किन्ने हूँ ये जो थमले आ 11 फुट छड़ गया जी जाने सारा ये हूँ होजू अपना तैयार ये 20 फुट के अंदर अंदर थमला करना उस बाद 2-2.5 फुट उ जाने 40-41 चलो चलो अंदर ही रह जाना इन्ना क्या अपना तो 40 बहुत
पिलर कढ़ने चार तो सारा बरांडा तैयार हो जाना मेरे नाल अटैच ही हो जाना कोठी से पहले वाली तो नहीं ये ही थले लगे पैनल अपने तो हुण ये उच्चे हो जाएंगे तो एक तो है राह तो है भी चल हाथ पल्ला जा नहीं वजदा किसी का तो बाकी चलो छेती तो कोई छेड़ता नहीं हुंदा तो बाकी चलो जे थोड़ा दूर हो टिक्का जहाँ हो बंदे नूं तो कोई हाथ पल्ला भी नहीं मारदा तो एट आ गई है इधर हुण तो यदि प्रॉब्लम आनी है डेक की हूँ अपन तो आ दोनों पटनिया पैनिया वा ये चक्कर की पै गया कल किसी ने इधरों लाती अग तो अग राह टप के ते सारे जड़िया डेकों डूक मचाती तो यह बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ पिछले बार झोने वेले भी यही प्रॉब्लम आई अपन तो इस बार फिर यही आई है तो भैड़ा बहुत लगता देखने मतलब जो थोड़ा जहा भी ध्यान दिता हो नुकसान रोक सकता वा तो बस आने टाइम अपन जानी ये डेक पट्टनी पैनी है अपन क्योंकि इधर आने पैनल अपने तो इधरों ने धुप रोकनी है तो आ दोने दरख्त क्ढने पैने फिर जे अपने आह वा ये इधर चल पे जे डेक छां फिर मिलेगी अपन बहन लई तो कोठी के आले दुआले फिर आप कुछ ला नहीं सकते हुण क्योंकि ये डेक अपन पट्टनी पैनी है क्योंकि दुख तो लगता वा उस चीज़ का क्योंकि एक तो कोठी के मूहरे छां वा अपने पर जो पैनल उत्ते लाते तो उत्ते फिर छां पैनी है तो वो कारण आप पट्टनी पैनी है तो बाकी चलो इधर हैगी अपने काफ़ी लगे हुए दरख्त पिछे भी है तो इधर भी है तो उदो चलो मन में थोड़ा जहा हौसला जहा हो जाता जे आप जमा ही साफ कर दीए फिर उस चीज़ का दुख भी हैगा वा क्योंकि दरख्त लगते घट आ तो पट्टे वाले जाते हैं तो बाकी वधिया चल पिया सीगियां तो हुण फिर उही हाल जहा हो गया है पत्ते कढ़े सी हरे इन्होंने नवे हुण तो अग के कारण कल गए हाजरी च फिर किसी ने लाती अग तो अग राह टप के फिर सारे झुल सजे गए इधरों दरख्त जिन्हें अपने पही तो लाए हुए थे तो बाकी मूंगी तो कर दें स्प्रे फिर शाम को देखते हैं जो बंदे मिल गए तो ये होना ना मिस्त्री साडा है पुराना तो ये गल्लां गुल्लां जी टाइम ना इन्हें सारा पूरा कर देना जे बंदा हो पूरा खिचवा जहा उपरा तो उन्होंने आप बंदे कह सकते होंने नहीं सही गल आ नहीं नरेश तो यू हम कह नहीं सकते आप भी कि एवरेज पेगी अपने अज काम की गल्ला ही सुनाई जानिया ने बस एक दू टोए नेड़े नेड़े कट लिया मैं दूर दूर होंगे गल्ला घट कर दे तुसी है कि पट्ठे तो है भाई है क्यों क्या तो हम महंगी हो गया सस्ती हो गया आने वाले टाइम च तेल महंगा हो गया कहते है ना एट लाई जाते एट थोड़ी लाने आप इतने पिलर थोड़ी चाहिए आप बाकी उपर तो ये लेंटर पै जाना बाकी जो लोड हुई फिर मंगा लेनी आप इधरले टोए रह गए दो पट्टन वाले उधरले तो तकरीबन चले गए जड़ जी आपके न्यों जिनी पट्टनी थी हो गई है तैयार बाकी यह मोटर अपनी पिंड च पहली अजे तक जो आप कम करते फिर ही पता लगता वा तो जे अपनी चल पी पूरी टॉप से तो कई मोटर लगन गई अपने पिंड देखो देख फिर तो रुझान जहा बढ़ता जाता हूँ तो बाकी अपने इतने लोट भी नहीं सीगा उदा बोर का क्योंकि औखा हो जाता वा तो मूथा भी ताइयों हों जो पट्ठे पुठे ज आप दूजा मारू जहा खेत हों उस तकरीबन घा फूल जहा होने लग ही जाता हों लगूगा फिर झोना आने वाले टाइम च उन्हें खत्म करना इन मोथे आ गए खेत अपने मक्की वाले तो लाइट चल पी सी अज तो जनरेटर लाया सी अंदर आ अद्धे किले ला लिया पानी तकरीबन है तो लाइट आई है 12:15 तकरीबन जो तो लाइट आ जाती है तो उदो दिमाग तो कहना टेंशन जी लै जाती है तो मक्की चो जानी हवा ठंडी होनी चाहिए जो मैं आप हम तुरे जाते हैं तो जो पड़ा मार दी है तो उदो बस मक्की का नास जहा बजना शुरू हो जाता वा तो बस जो एक दिन भी लंघ गया तो कम ये हो जाता तो जिमें हूँ बिच दी लंघ के आए हैं तो हवा आँदी है ठंडी पूरी जिनी मर्जी लो चलती हो पर जो पानी लगे हो मक्की दे विच ते पूरी हवा ठंडी हो के आऊगी बिच दी ते रोटी लैके आए थे अंदर दी
चारे पासे ओला हो गया हुण तां। जो बहरले सियाट देखते हैं दो तीन उदो लगती है भी नीवी है कि ज्यादा कद नहीं है, पर जो दो सियाट आप साइडा छड़ दी बन्ने के नो तो फिर पूरी उच्ची लगती है। तो हूँ भी मैं इस टाइम खेल के उपर खड़ा वा मक्की देख सकते पूरी हाइट चा ये है कि अपने लीमा ग्रीन हाइट से यह ज्यादा आदि 1844 ना उधर देख सकते हैं वो नीवी आ उधरों हवा पूरी चलती है तो पानी भी पूरा खिंचती है जोड़ा खेत चो अपने पानी ले जाती है खिंच के पूरा मौसम में थोड़ा जहा फर्क पै जाता वा जो हवा चलती हो धुप थोड़ी जी घट लगती है खेत तो ये सियाड़ है साइडा वाले मक्की इतने का के सीधी हो जाती होंगी पूरी जो झंडे जे कढ़न लग जाती उपर बाबू झंडे जे तो हूँ इनू गठ पैन लग जानी है छली तकरीबन ठीक है यदि मेरे हिसाब न अद तो थले ही पेगी इनू जिमें अपने 1844 की है तो बाकी बराबर हूँ दिखावे भी गठ जो पई है इनू तो सामने आ गई अपनी 1844 चलते हैं फिर घर करते हैं वीडियो बंद। फिर अज की वीडियो किदा लगी लाइक कमेंट शेयर जरूर करना चैनल सबसक्राइब नहीं किया चैनल सबसक्राइब तो बैल आइकन वाला बटन दबना नहीं भुलना ता कि होर भी नवी नवी वीडियो मिलती रहन। ओके धन्यवाद सारे का मिलते हैं नवी वीडियो लेके।